रविंद्रनाथ टैगोर अकादमी बिलोना में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम आयोजित करते हुए वीर सेनानियों को याद किया गया। विद्यालय के संरक्षक जीएस गड़िया, प्रबंधक कैलाश गड़िया ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान के कारण ही हमें आजादी नसीब हुई है। आजादी के आंदोलन में हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। इस मौके पर बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अधिवक्ता गोविंद सिंह भंडारी तथा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद भट्ट ने आयोजन की सराहना करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर विद्यालय में जो आयोजन किया गया था, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम आपके द्वारा किया गया। विद्यालय अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करे और विद्यालय परिवार ने जो कार्यक्रम आज अपने गड़िया जी के नेतृत्व में यहाँ पर हुआ था, वो बहुत ही सुंदर और सराहनीय कार्यक्रम था। हम पूरे जनपद वासियों को आज़ादी की पूर्व वेला पर, 15 अगस्त की वेला पर बधाई देते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। कल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का 76वां दिवस मनाया जाएगा। इस क्रम में सभी जगह पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी क्रम में आज आदरणीय गड़िया जी के विद्यालय में रविन्द्रनाथ टैगोर जो ये एकेडमी है, इस समय बिलोना पर हम लोग आए हैं। हमारे साथ ही भाई विनोद भट्टी जो हमारे बार के प्रेसिडेंट हैं, हमें आमंत्रित आपके द्वारा किया गया था। श्री गोपाल सिंह गड़िया जो एक्स BDO हैं, उनके द्वारा बहुत अच्छा कई विद्यालय यहाँ पर चलाया जा रहा है। ये अपने संसाधनों से और जो अपने मतलब मेधावी छात्र हैं, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के हों, उनके लिए इन्होंने एक अच्छी सुविधा यहाँ पर उत्पन्न कर रखी है। और जो कार्यक्रम इनका आज था स्वतंत्रता दिवस की पूर्व बेला पर, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री पाठक जी और उनके सहयोगी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बहुत बढ़िया तैयारी यहाँ पर कार्यक्रम की गई थी। छोटे छोटे बच्चों द्वारा जो रामी बोराणी का मंचन किया गया, वो बहुत ही देखने लायक था। और इसके साथ ही हम पूरे यह ग्रामवासियों को और यहाँ के जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं, धन्यवाद। जो आज हमने यहाँ पर कार्यक्रम बनाया, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे जो यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल तक स्कूल चलता है, उसमें जो बच्चे यहाँ पर पठन पाठन करते हैं, वो अधिकांश ऊंचे घरों से नहीं है, एक स्किल्ड घरों से नहीं है, और गरीब घरों से ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर आते हैं, और उनको हम प्रेफरेंस देते हैं जो कहीं किनको जगह नहीं मिल पाती है। मैं आपको ये भी बताऊं, बीच में एक किस्सा भी भंडारी साहब को बोला मैंने, 11वीं क्लास में उसको जाना था, अनुसूचित जात की बिटिया थी, तो वो हालांकि हमसे देर सवेर लिंकेज रहते हैं काम मामले में, किसी मामले में खेती पाती के मामले में आगे बुबू में मतलब क्या कहते हैं यहाँ पर 11वीं क्लास में जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कॉपी किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं है। बट मैंने कहा बेटा तू जा और जो किताब तेरे आने होंगे अभी 2000 रुपया पकड़, इसके बाद तू इसका जो जो चीज तू खरीदेगी उसका पर्चा मुझे दिखाना। जब हमने ये स्कूल चलाया 2017 से, तो वहाँ पर बच्चों की संख्या मात्र 68 थी। आज खुशी की बात है पांडे जी, आपको अवगत कराने के लिए इन अंतराल में 125 बच्चे हमारे पास उपलब्ध हो चुके हैं। 125 अभी भी लोग आते जा रहे हैं। यहाँ पर हमने कुछ व्यवस्थाएं भी ऐसी की कि आए आदमी और देखे कि इसके पास फील्ड है नहीं है, कमरा कैसे हैं, हवादार हैं नहीं हैं, व्यवस्थाएं क्या है इनकी, डिसिप्लिन क्या है इनका। स्कूलों में तो आज इस प्रकार का हो गया कि जगह 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 पर हर कदम पर स्कूल हो गए हैं, बट बच्चा वहीं जाएगा जहाँ पर मतलब क्या कहते हैं उसको कुछ ठीक ठाक दिखाई दे, पेरेंट्स जिसमें संतुष्टि ले, ऐसे जगह पर वो पेरेंट्स मतलब वहाँ पर अपना यहाँ पर आएंगे और वहाँ पर जाएंगे, वहीं पर जाएंगे जहाँ उनको व्यवस्था ठीक ठाक दिखाई दे। रामी बोराणी मैंने वही आपके सीशन TV वाले में वो देखा है, प्लस जो वो आपका YouTube में
यूट्यूब में जो आता है ऐसे कार्यक्रम को मैं देख लेता हूँ। तो मैंने कहा यार जब सीता जी का और वहाँ पे सती सावित्री का और रामी बोराणी का यहाँ पर नाम आ रहा है तो क्यों ना मतलब क्या कहते हैं मैं रामी बोराणी को यहाँ पर तैयारी करा लूँ, इस ड्रामा को, इस प्रोजेक्ट को आगे क्यों नहीं लाऊं। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।